हाय व्हाट्स अप, दिस इज अर्जुन फ्रॉम आइजर क्लासेस। आज बात करने वाले ब्रांच अपग्रेडेशन के बारे में, जो 2025 का बैच है जो पूरा आईपीयू में पढ़ रहा है उसके लिए ब्रांच अपग्रेडेशन का फॉर्म जो है वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है। इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन का, इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन का मतलब क्या है, यानी कि आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं होने वाला कि आप अपना कोई कॉलेज चाहें तो वह बदल सकते नहीं, लेकिन आपकी ब्रांच अगर ट्रिपल ई में थी तो शायद आप आईटी में जा सकते हैं, ईसी थी तो आप सीएससी में जा सकते हैं, जिसका सबसे बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है जो लोअर ब्रांच के बच्चे होते हैं, ईसी, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, सिविल वाले, तो उनके लिए फॉर्म निकला है। मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूँ इन्फो। इस साल बहुत एक बड़ा चेंज हुआ है, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के जानने के लिए। हर साल क्या होता था, ब्रांच अपग्रेडेशन होती थी फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, इन दोनों सेमेस्टर का कॉम्बिनेशन से जो रिज़ल्ट बनता था, जो आपकी टोटल CGPA जो आती थी उसको यूज़ करा जाता था आपके ब्रांच अपग्रेडेशन में, यानी कॉलेज के अंदर जो टॉप बच्चे होते थे, ठीक है, उनको ऑब्वियसली बात है, जैसे JEE के अंदर होता था कि जिसकी जितनी कम रैंक है उसको उतनी अच्छी ब्रांच मिलेगी, वही सेम चीज़ होती थी। आपने फर्स्ट ईयर में अगर अच्छी रैंक हासिल करी अपने कॉलेज में तो आपकी ब्रांच अपग्रेड कर दी जाती थी। अब वो फॉर्म तो देखो सभी बच्चे भर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि रैंक के ऊपर। जो सबसे लोअर ब्रांच होती है, बात करूँ ट्रिपल ई किसी कॉलेज की या मैकेनिकल किसी कॉलेज की, तो उसमें सारे बच्चे ट्रिपल ईसी, आईटी, सीएससी में अपग्रेड हो जाते हैं। लेकिन अगर सीएससी, आईटी ही आपका गोल है तो आपकी रैंक भी कम होनी चाहिए, यानी कि आप शुरुआत के 5 बच्चे, शुरुआत के 10 बच्चों में आने चाहिए। बाकी डिपेंड करते हैं कि आपके कॉलेज में सीट्स कितनी खाली है, सीएससी में, आईटी में, सबके अंदर, तो उन पर पूरी पूरी ब्रांच अपग्रेडेशन डिपेंड करती है। हर बार फर्स्ट ईयर के बेस पे होती थी, फर्स्ट ईयर का टोटल जो रिजल्ट आता, लेकिन 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 इस साल धमाका हो गया है। इस साल फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि आधे ईयर के बेसिस पे आपकी ब्रांच अपग्रेड हो रही होगी, थर्ड सेमेस्टर से ही होगी स्टार्ट, जो होगी सेकेंड ईयर से ही होगी, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का ही रिजल्ट बस यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। जो फॉर्म का जो लिंक है जो अपग्रेडेशन का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो पूरा नोटिस है वो आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा, बस आप बात समझो। अब आपको करना क्या है, मैंने बता दिया आपकी रैंक के बेसिस पे होगा। उस फॉर्म के अंदर आपको प्रेफरेंस शीट बनानी होगी कि आपको पहले सीएससी चाहिए, फिर आईटी चाहिए, फिर ईसी चाहिए, देन अगर मानो ट्रिपल ई में हो आप तो ट्रिपल ई भी लिख देना, क्योंकि लास्ट में तो ट्रिपल ई चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। इस टाइप से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। अब कई बच्चों को डाउट आ रहा था कि जैसे हम काउंसलिंग में करते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर तो हम क्या करते थे पहले जब हमने एडमिशन लिया था, हमको अगर आईटी मिलने के चांस ज़्यादा तो हम आईटी को ऊपर रखते थे, सीएससी को नीचे रखते थे। देखो कॉलेज के अंदर इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कॉलेज के अंदर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉम्पिटिशन में इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं जितने जेई मेन की काउंसलिंग में थे, जितने आईपीयू की, जोसा की, जैक की काउंसलिंग में थे। तो अगर आप ऊपर सीएससी रख रहे हैं, नीचे आईटी रख रहे हैं, जबकि आपको पता आईटी मिल सकती है जल्दी से जल्दी, और आपने ऊपर फिर आईटी रख दिया, ठीक है, तो उसका कोई इतना बनेगा नहीं बात, ठीक है ना। फ़र्क पड़ता है, हल्का बहुत पड़ता है, अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं ऊपर, लेकिन इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप सीएससी ऊपर रखें देन आईटी रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कंपटीशन बहुत कम रहेगा क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं। समझ में आ रहा आपको, फ़र्क पड़ता है लेकिन वो आपकी बिल्कुल बिल्कुल मर्जी है, क्योंकि मेरे ओपिनियन में इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड्स ने अपग्रेडेशन करी थी, सब यही सीक्वेंस बनाते हैं। अब ऐसा नहीं जिसने सीएससी ऊपर रखी थी बाद में आईटी रखी थी उसको सीएससी मिल गई, ठीक है, या फिर उसको आईटी मिल गई, जिसकी किस्मत में जो है, किस्मत भी मैं बोल रहा हूँ, जिसकी रैंक कम है, ठीक है, जिसके थोड़े अच्छे मार्क्स जिसने स्कोर करे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसको ही मिली है वो ब्रांच जो डिज़र्व करता है। समझ में आया? तो आपको करना क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं आपको ब्रांच अपग्रेडेशन करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस फॉर्म को भरना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, 22nd of July यानी कि 22 जुलाई से पहले पहले आपको अपने कॉलेज में उसे सबमिट कराना होगा। करना क्या है, उस फॉर्म को निकालना है, प्रिंट आउट करवाना है, उस फॉर्म को भरना है पूरा का पूरा। भरने के बाद प्रेफरेंस शीट बनानी है, अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है, देन आफ्टर दैट उस फॉर्म को एक 100 रुपीज़ के एफिडेविट, 50 का भी एफिडेविट आप यूज़ कर सकते हैं, 100 का जो है सही रहता है एफिडेविट, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ों में जो ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो पेपर वर्क होता है उसमें 100 रुपीज़ का एफिडेविट बहुत ज़्यादा चलता है, तो आप उसी को यूज़ करें, 50 रुपीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, सेफ साइड रहेगी, बाइंस रिजेक्ट ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, तो आप 100 रुपीज़ के एफिडेविट पे, ठीक है, आप किसी पेपर वर्क वाले पे जाएंगे जहाँ पे घर के कागजात वगैरह बनते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं 100 रुपीज़ के एफिडेविट पे। आपको वही सेम जो फॉर्म के अंदर आपने डिटेल्स फिल करी हैं, जो पूरा को पूरा फॉर्म है ना उसका फॉर्मेट, उसमें जो डिटेल्स हैं ऐसे का ऐसा उस एफिडेविट पे लिखवाना है, ठीक है, कि आप ब्रांच अपग्रेडेशन करने वाले हैं, कि जो पूरा का पूरा फॉर्म है वही लिखवाना है सेम, वो एफिडेविट और वो जो फॉर्म जो आपने ओरिजिनल जो फिल करा है उन दोनों को अटैच करके आपको 22nd of July से पहले पहले अपने कॉलेज के डीन ऑफिस में, जो भी आपका ऑफिस अलॉट हुआ है जहाँ पे आपको सबमिशन करना है, वहाँ पे जाके आपको सबमिशन कर देना है ऑफलाइन मोड में, यानी कि जाके करना है, ऑनलाइन आपका कोई काम नहीं होने वाला है इसके अंदर। फिर आपके कॉलेज के बेस पे इंटरनली ये सब चीज़ें होंगी। डाउट ले लेते हैं एक, कि अगर ब्रांच अपग्रेडेशन नहीं हुई तो क्या होगा, दुख नहीं होगा पहली बात तो,
ठीक है ना, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। ब्रांच अपग्रेडेशन होने ना होने से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सी एस सी आई टी मिल जाती है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। देखिए अंदर होता है कि सी एस आई टी एक अच्छी ब्रांचेस हैं, ई सी ट्रिपल ई, मैकेनिकल, सिविल, ये सब इतनी अच्छी नहीं है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, ई सी जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो आपके अंदर एक आग लगनी चाहिए। मान लेते हैं आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ कि भाई ई सी क्यों दबी हुई है, ई सी में अच्छी प्लेसमेंट लाएंगे। तो मैं बी पी आई टी की बात करूँ तो ई सी से भी बच्चा गया है 44 लाख पर एनम का प्लेसमेंट लेके। ट्रिपल ई से भी बहुत तगड़ी प्लेसमेंट्स गई हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में एक गई है अमेज़ॉन के अंदर। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोअर ब्रांचेस से प्लेसमेंट नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है। आप पढ़ने वाले होने चाहिए, अगर एक सेमेस्टर मेहनत नहीं करी थी, ये तो ऑनलाइन था। अगर फिर भी कोई दुख रह जाए, यही है कि ऑनलाइन था, मैं तो पढ़ लेता, ये हो जाता, अब कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका ग्रेडेशन नहीं होता तो। ठीक है, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ो यार, जहाँ पे भी आप हो वहीं पे दबा के मेहनत कर दो, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, प्लेसमेंट्स हर जगह से होती हैं, करियर बनाने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए, करियर अपने आप बनता है। समझ में आया? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।